जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर कमेंट्स किया था कि सर कट ऑफ का वीडियो जरूर लाइए, तो जी हाँ बच्चों, आप सभी के समक्ष समाधान स्टडी का एक सटीक विश्लेषण और एक सटीक कट ऑफ जो आपको वेबसाइट पर भी नहीं मिलेगा, और मैंने आप सभी लोगों के लिए लाया है कि कितना कट ऑफ रहा है, क्या रहा है, सब कुछ। और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका होगा उनमें सभी बच्चों को एडमिशन करने के पहले ये बता दूँ कि अगर आप लोग जी से बीएससी नर्सिंग या तो एमएससी कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। जैसे कि एमपी मतलब मध्य प्रदेश में डायरेक्टली पीएनएसटी प्री वेटनरी का एग्ज़ाम होने के बाद डायरेक्टली सिलेक्शन मिल जाता है, उसी तरीके से आपका सीजी में नहीं होता है। और आपको बता दूँ, जो भी एमपी का स्टूडेंट होगा, ठीक है बच्चा, जो भी एमपी का स्टूडेंट होगा उन्हें यहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। अगर उन्होंने चॉइस फ्रेम भी कर लिया होगा तो उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिला होगा। ठीक है बच्चा, मैं आप सभी को बता दूँ, उन्हें जो है प्रॉपरली जब उन्होंने चॉइस फिलिंग करवाया है और जब मैंने देखा वहाँ पर, तो आप सभी को बता दूँ कि आपको गवर्नमेंट चॉइस फिलिंग करने की कोई भी ऑप्शन नहीं था, ओनली प्राइवेट ही कॉलेज आपके चूज़ हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट, अब जो भी बच्चा एमपी का होगा तो वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आप लोग जो है एडमिशन तो बिल्कुल मत करवाए, क्योंकि प्राइवेट से होगा, अमाउंट भी लगेगा, जॉब भी नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है जो अपने सीजी वाले साथी है और मोस्टली काफ़ी समाधान स्टडी से जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, और समाधान स्टडी पर जो आप लोग इतना प्यार भी दे रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद इसके लिए। तो आपको बता दूं गाइस, जो जनरल वाला स्टूडेंट है, जनरल वालों को कट ऑफ गया 65 मार्क्स। कितना सर जी? 65 मार्क्स हाईएस्ट कट ऑफ, ऑलमोस्ट 100 मार्क्स में 65 मार्क्स आपका हाईएस्ट स्कोर है। आप सभी को बता दूं जनरल वाले स्टूडेंट का, कौन सर जी? जनरल कैटेगरी का। देखिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ, सब कुछ बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है बच्चा। अब देखिए आते हैं जरा आगे। अब देखिए एससी वाला कैंडिडेट है, हाईएस्ट मार्क्स रहा है 61 मार्क्स। कितना सर जी? 61 मार्क्स। और जो ये सिलेक्शन हुआ ये कैटेगरी वाइज हुआ है, मैं आपको बता दूँ सिलेक्शन कैसा हुआ कैटेगरी। अभी मैं आपको बताता हूँ हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, जिन्होंने कहा सिलेक्शन हो चुका है हाईएस्ट मार्क्स तक, और बहुत ही कम कट ऑफ रहा है। अब सभी प्यारे साथियों को बता दूँ कि कट ऑफ क्या है, बहुत ही कम कट ऑफ रहा है, आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप, यूआर हो गया, ओबीसी 59 रहा है, और जो है आगे चलते हैं, अब आते हैं एसटी का देख लेते हैं। ओबीसी यूआर देख लिया हम लोगों ने, और एसटी का रहा है 52 मार्क्स हाईएस्ट। सर जी मैं हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट मेरे पास आई है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का है क्या भाई साहब? ईडब्ल्यूएस वाला देखते, कोई बच्चा है क्या ईडब्ल्यूएस वाला? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो लिस्ट जारी हुई है यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों ही है। तो ये देखिए मैंने बता चुका है कि 61 जो है 65 मार्क्स जनरल वालों का, 59 जो है आपका एससी वाले कैंडिडेट का, उसके बाद जो है ओबीसी भी रहा है 58 मार्क्स, और जो है 51 आई थिंक रहा है आपका एससी वाले। तो इस तरीके से बहुत ही कम कट ऑफ गए गाइस, आप लोग देख सकते हैं, ये सबके साइड ऑन है, मैंने ऑन करके रख लिया है आपके समक्ष। और आप लोग देख लीजिए 42 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ, 40 ओके 30 मार्क्स पर भी सिलेक्शन हुआ, मैं आपको बताऊंगा अभी प्रूफ कि 30 मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो चुका है। देखिए लिस्ट है, ये देखिए लिस्ट, यहाँ पर देखिए ओबीसी 33 मार्क्स पर सिलेक्शन दिख रहा होगा। पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो कॉलेजेस है ये आधे प्राइवेट कॉलेजेस है, आधे गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अच्छे से अच्छे तरीके से मेहनत करिए। जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका है गवर्नमेंट कॉलेज में, बिल्कुल बेशक एडमिशन करवा सकता है। और जो है इसके कुछ निर्देश है, तो निर्देश मैं आपको लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अभी आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर चेक कर लीजिए, और जो भी जिन भी बच्चों का अलॉटमेंट लेटर में नाम आया मुझे एक थम्स अप करिएगा, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, चाहे अदर भी कोई भी क्वेरीज हो, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं सारी सहायता आप सभी लोगों के लिए, जो भी मुमकिन कार्य है मैं आपके लिए करता रहूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट जो है अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।